फाइनली हम यहाँ पे सूरत किरण हॉस्पिटल में आ चुके हैं और हमारे अविनाश भाई जो कि हॉस्पिटल में है तो उनके पापा है यहाँ पे खड़े हुए और अजीत सर ने हमें भेजा है इनको हेल्प करने के लिए, तो इनसे दो बातें करना चाहेंगे हम। सो गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा अभी हम हॉस्पिटल में और जो पेशेंट है उनके ये पापा है, तो सबसे पहले तो हम आए स्पेशल इधर अजीत सर ने हमें भेजा क्योंकि वो फिलहाल गए हैं दुबई में गए हैं, तो ये पापा हैं उनके। और कुछ बोलना चाहोगे आप अजीत सर के बारे में? मेरा ये कहने का है मेरे लड़के की 2018 से ट्रीटमेंट चालू है और हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोले अभी थोड़ा उसका ज़्यादा है हो गया है, वो तो, ज़्यादा हुआ था तो डॉक्टर ने बोला बोन मेरो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, तो बोन मेरो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा तो उसका जो ट्रीटमेंट थोड़ा महंगा है, तो उसने 15 लाख बोला था डॉक्टर ने, 15 लाख रुपये ऑपरेशन के लिए। हाँ, ऑपरेशन के लिए बोला था। तो हमारे पास आयुष्मान का कार्ड था उसका 10 लाख है और उसमें का 10 लाख करके भी हमारे को और पैसा की ज़रूरत थी, तो हमने अजीत सर को फ़ोन किया और अजीत सर ने फ़ोन रिसीव किया और उसने बोला कि भाई MADC के पास तुम आओ और अपन वहाँ चर्चा करेंगे, और उसने हम उसके पास गए तो तुरंत तो उसने हेल्प किया जी। और अजीत सर का वो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उसने बहुत जल्दी उसने हेल्प के लिए तैयार हो गया। हाँ, तो भाई इसको और MIDC के जो मालिक हैं सभी जो नवापुर एरिया में रहते हैं वो सब भी उसको हेल्प करने वाले हैं। वैसे तो अजीत सर ने यहाँ पर हेल्प की है लेकिन आप भी हेल्प कर सकते हैं, छोटी बड़ी जो भी रकम होगी वो, तो आपको नंबर मिल जाएगा वहाँ पर, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको जितना हो सके उतना आप यहाँ पर हेल्प कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बड़ा ऑपरेशन है और जो कि अभी उसने बोला आयुष्मान कार्ड यूज़ करके भी यहाँ पर उनको पैसे की ज़रूरत है, तो हो सके उतना आप भी हेल्प कर सकते हैं। और गाइस, जो पेशेंट का नाम है, पेशेंट का नाम क्या है? अविनाश। गाँव का नाम? सुंदरपुर तालुका, सुंदरपुर तालुका अच्छा जिला तापी, यानी कि मेरे ही तालुका के लोग हैं हमारे सुंदरपुर के। तो आपके लिए अजीत सर ने एक छोटी सी भेंट है, ये आप देख सकते हो, ये 1 लाख रुपया दिया है हमारे अजीत सर ने अविनाश भाई को दूर में वीडियो ली, आप देख सकते हो। तो हम तह दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हमारे अजीत सर का और ऐसे ही अजीत सर सबकी हेल्प करते हैं, तो आप ये रख लो कि आपका ही है और आप जाके विड्रॉ कर लेना। ओके, और जिस तरह से अजीत सर हेल्प करते हैं उस तरह से आप भी कर सकते हैं क्योंकि जितना वो अजीत सर कमाते हैं वो आधा तो पैसा यहाँ पर हेल्प करके कर देते हैं, उस तरह से आप भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ इन लोगों को हेल्प कीजिए, इनका नंबर मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा। तो कुछ कहना चाहोगे अजीत सर के बारे में? आप कुछ थोड़ा बहुत कैसा लग रहा है? अजीत का भाई का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उसने हेल्प के लिए जो 1 लाख रुपया जो दिया है मैं उसका बहुत आभार मानता हूँ। और जो बाकी का अमाउंट रहेगा उनका भी हेल्प करने वाले हैं वो, क्योंकि सभी ओनर लोग, तो बाकी का रहेगा वो भी आपको हेल्प करेंगे और आप भी हेल्प कर सकते हो इनको, हम अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर दे देंगे, कांटेक्ट करके हेल्प आप भी कर सकते हो। और कहना चाहेंगे और दोस्तों, जो हमारे अजीत सर हैं वो दुबई गए हैं फिलहाल, कल नाइट में ही गए थे और वो 4 तारीख को आने वाले हैं, तो 4 तारीख उसके बाद में जो भी पेमेंट इनका बाकी होगा वो सॉल्व कर देंगे। और आप भी दोस्तों मदद कर सकते हो हमारे अविनाश भाई, आपको पेशेंट से भी मिलवाते लेकिन परमिशन नहीं, जाने नहीं देते हैं, पापा है फिर भी इनको जाने नहीं मिल रहा है वहाँ पे क्योंकि बहुत खतरनाक इधर की सिक्योरिटी है ना कि अंदर जो उनके पास रहता है उनको बाहर भी नहीं आने देते, ऐसा प्रॉब्लम है, नहीं तो हम जाके अंदर आपको भी दिखा देते हैं। और आप कोई बात नहीं, हॉस्पिटल एक बार दिखा दो, हॉस्पिटल दिखा दो भाई।